चैनल आज हम देखेंगे तुअर के सोले की भाजी विदर्भ स्पेशल कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये तुअर के सोले हैं, इसे कैसे निकालना है बताती हूँ। सबसे पहले हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक चिकनाहट रहती है, उससे अपने हाथ काले पड़ जाते हैं, इसलिए इसे इस तरह आप निकालो। ऑयल लगा के फटाफट हो जाता है, ये इस तरह से निकाल दो। इस तरह से सबसे पहले हम ये सोले भून लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल देना है और अच्छे से भून लेना, अच्छे से भून लो इसे। ये हो गए हैं, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं, ये 4-5 मिर्ची ले लेना है और थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। जब हम मिर्ची डालते हैं थोड़ा सा कट करके डालना है इसे, नहीं तो ये उड़ सकती है। इसमें टाइम डालेंगे जीरा, जीरे को भी अच्छे से हम भून लेंगे इसमें। अभी हम इसमें इसे पॉट में डाल के इसमें अदरक, एक गाठी लहसुन और धनिया, धनिया हमको ज्यादा लेना है। इस तरह से तोड़ के आप इसकी डंडी वंडी भी आप इसमें डाल दो, इसकी भी बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है भाजी में। अभी हम इसे पीस लेते हैं, इस तरह से आप इसे निकाल दो। अब इसी पॉट में हम हमारे सोले हैं ना, इसको भी डाल के हम पीस लेते हैं। इस तरह से दरदरा सा पीसना है, मिक्सी को ज़्यादा चलाना नहीं है, थोड़ा सा चला के इसे निकाल लो, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे। इस गैस पे हम पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। इस पैन में डाल देते हैं तेल, 2 चम्मच तेल डाला है, इसे गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम इसमें हींग डाल देते हैं, 1 चुटकी हींग डाला है। अरे राई डालते हैं, राई को चटकने लगते हैं। राई हमारी चटकने लगी है, इसमें डालते हैं प्याज। प्याज को अच्छा ब्राउन करना है, इसका हम लोगों ने पेस्ट बनाया था वही डाल दिया है। इसे अच्छे से भून लेना है, कोई खड़े मसाले नहीं पड़ते, कोई गरम मसाला नहीं डालना है। इसी से धनिया से ही और मिर्ची से ही, अदरक लहसुन के पेस्ट से इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। अब हम इसे छोले डाल देंगे, इसे भी अच्छे से भून देंगे। हमें इसमें हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़े से 1/4 टीस्पून और मिर्ची पाउडर बिल्कुल 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़े थोड़े डालना है क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली डाली हुई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, हमने पानी बॉईल किया था ना, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। कम से कम हमने 2 कप पानी डाला है इसमें। अब इसमें नमक डालेंगे, स्वादानुसार आप नमक डाल देंगे। इसे 1 बॉईल आने तक होने देते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। जब भी हम इसे खाते हैं तभी कच्चा मूंगफली का तेल इसके ऊपर डाल के फिर खाना है, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। भाजी बन के तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।